चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सेप्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम स्टडी करेंगे स्टॉक मार्केट का, किस तरीके से ट्रेड बाजार आज ने किस तरीके से बिहेव किया है और इसके बेसिस पे किस लेवल पे बाई और सेल बनता है बैंक निफ्टी और निफ्टी का। उससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर होगा कि हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को बाई और सेल की सलाह नहीं दे रहे हैं, ओनली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है। आगे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बहुत ऐसे स्टॉक में बायोकॉन, सुजलॉन, NIT, बालकृष्ण, बलरामपुर चीनी, हैवेल्स में अच्छा खासा लेवल पे बाइंग हुआ है और अच्छे खासे गेन भी किए हैं। हेक्सावेयर, हैवेल्स में ओपन इंटरेस्ट के साथ गेन हुआ है। हेक्सावेयर में अच्छा खासा 30% ओपन इंटरेस्ट गेन किया है। NIT टेक्नोलॉजी, रेमंड, स्टार, इन सब कंपनियों में अच्छा खासा बाइंग हुआ है। तो अब हम F&O की स्टॉक की और कैश की स्टॉक का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आज का देख लेते हैं बाजार किस तरीके से निफ्टी ने बिहेव किया है। 28 पॉइंट की राइज हुई है और 2.5% के करीब ओपन इंटरेस्ट गेन किया है और लेकिन वॉल्यूम में 12% गिरावट हुई है। मतलब आप देख रहे हैं कि 55,000 शेयरों में कम ट्रेड हुआ है। कल के बेसिस पे 55,000 शेयरों में कम ट्रेड हुआ है। तो इस तरीके से कॉल पुट रेशियो बहुत अच्छे लेवल पे आ गया है, लेकिन निफ्टी में जो लेवल है उस ये बहुत ही क्रूशल लेवल पे है। एज फॉर रिट्रेसमेंट हम लगभग टारगेट अचीव कर चुके हैं। अगर ये गिरावट की तरफ है बाज़ार तो उसका जो करेक्शन है, करेक्शन का टारगेट पूरा हो चुका है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन पूरा नहीं हुआ है। मैक्सिमम 21-20 दिन ट्रेड अभी चलना चाहिए, जो कि अभी 12-13 दिन ही हुए हैं। तो अभी ये 2-4 दिन और बाकी है टाइम वाइज करेक्शन पूरा होने के लिए। तो टाइम वाइज के बेसिस पे हो सकता है 2-4 दिन निफ्टी करेक्ट हो, अप एंड डाउन दोनों तरफ चले, लेकिन जो आज का जो हाई है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अगर उभर के बनता है और बाज़ार में यहाँ से 50-60 पॉइंट की गिरावट होती है कल के सेशन में और दोबारा उसको टच करेगा, मींस बाजार यहां से हो सकता है 9980 और 10,035 के आसपास कंसोलिडेट होना चाहिए 2-3 दिन। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि 10,035 के लेवल के ऊपर जाने में बाज़ार को तकलीफ होगा और उसके बाद 12-13 तारीख तक बाज़ार में यहां से गिरावट अगर शुरू हो जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि करेक्शन पूरा हो गया अपसाइड का, अब डाउन साइड में निफ्टी जा सकती है। लेकिन जो आज की हाई है अगर वो ऊपर की तरफ कटता है और 10,080 मैक्सिमम रेजिस्टेंस वहाँ है, अगर उसको भी तोड़ देता है तो बाज़ार न्यू हाई की तरफ जाने की चांसेज है। तो इस तरीके से निफ्टी में तो मेरे हिसाब से कोई ट्रेड ही ना करे। अगर किसी का पोजिशन है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के ही ट्रेड करें, क्योंकि मेरा इस वीडियो में केवल व्यू है और स्टडी है, ना कि हम लर्निंग पर्पज से इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। और जो मेरे सॉफ्टवेयर के बेसिस पे या जो मेरा जो स्टडी है उसके बेसिस पे 9930 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। 9930 के नीचे अगर बाजार जाता है तभी हम गिरावट देखेंगे, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस होगा अगर किसी का बाइंग पोजिशन है तो। 100 पॉइंट है क्योंकि हमने 9700 से बाज़ार में 10,300 पॉइंट का राइज देखा है, तो 100 पॉइंट आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा फॉर द पोजिशनल ट्रेडर के लिए, है ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे बेसिस पे हम डेली लेवल बताते हैं। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि 10,040 के आसपास बाज़ार जाता है तो आप वहाँ शॉर्ट करके 20-30 पॉइंट के लिए कमा सकते हैं, पैसा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इंट्राडे लेवल पे हम तो स्टडी ऑलरेडी कर रहे हैं और परफेक्ट एनालिसिस निकल के आ रही है। अगर उसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड करते हैं तब प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये रहा आज का जो लेवल निकल करके आया है कल के लिए, उसका हम स्टडी कर लेते हैं। कल का जो लेवल निकल करके आई है उसमें दस हज़ार चौंतीस जो आज का हाई है वही कल का बाई लेवल है और सिंपल सा स्ट्रेटजी है कि 10,035 कल के हाई के ऊपर अगर बाजार जाता है तो 100% बाइंग बनता है। जो टारगेट मिनिमम 10,070 के टारगेट के लिए, 10,067 के टारगेट के लिए
और मैक्सिमम टारगेट 10,100 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं, और अगर गिरावट आती है तो 10,000 के नीचे गिरता है, फिसलता है बाजार, तो 10,066 के टारगेट के लिए, 9,966 के टारगेट के लिए आप सेल कर सकते हैं। तो चांसेस बहुत ही 50-50 का मामला है, 10,035 कटता है या 10,000 के नीचे जाता है, ये बहुत बड़ा कल का बाजार डिसाइसिव होने वाला है। हाँ, इसके बीच में अगर ट्रेड होता है तो नो ट्रेडिंग जोन है, तो 10,000 के नीचे जाता है 9,966 9,940 तक निफ्टी फिसल सकती है, लेकिन 10,035 कल के आज के हाई के ऊपर बाजार सस्टेन करता है तो बाइंग जनरेट हो जाएगी वहाँ से और न्यू हाई की तरफ बाजार जा सकता है, लेकिन 10,080-85 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा, वो फाइनल एंड लास्ट रेजिस्टेंस होगा। अगर इसके ऊपर हम जाते हैं तभी हम ऊपरी लेवल बाजार को ऊपर जाते हुए हम देखेंगे, और हमारा जो एनालिसिस था 9,400 का हो सकता है वो कुछ देर के लिए थम जाए। तो ये रहा हमारा आज का निफ्टी का लेवल एनालिसिस, आगे हम देखेंगे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी अच्छे खासे आज राइज हुआ है, लेकिन 10,000 जो एक्चुअली बैंक निफ्टी के कारण ही बाजार में तेज़ी चल रही है। बैंक निफ्टी में दो एक हफ्ते से कोई राइज नहीं था, लेकिन यहाँ पे आज बाइंग हुआ है और 24,500 तक मैक्सिमम जाने की चांसेज है। ये एक्चुअली अपना रिट्रेस नहीं किया, कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि 24,500 के आसपास ये जाने का कोशिश करेगा, और कल वेडनेसडे है, वेडनेसडे के दिन में ये अच्छा खासा पुल बैक देता है, क्योंकि जो थर्सडे की एक्सपायरी होती है वीकली एक्सपायरी उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, वो वेडनेसडे में ही मूवमेंट हो जाता है। 100-200 पॉइंट का जो राइज आने वाला होगा, परसों वाला मूवमेंट कल ही आ जाएगा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी का, मैं आप लोगों को सीक्रेट बता दूँ कि बैंक निफ्टी की कोई जहाँ खुलता है वहीं आसपास 50-60 पॉइंट अप एंड डाउन बंद होता है, और 100-150 पॉइंट ऊपर जाता है, वो शॉर्टिंग पुट राइटिंग के लिए अच्छा खासा, या वहाँ पे आप शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो लेकिन लास्ट में वहीं बंद होगा जहाँ पे उसकी वेडनेसडे की क्लोजिंग होती है, 50-60 पॉइंट अप एंड डाउन। और थर्सडे के सेशन में, मॉर्निंग सेशन में 200 पॉइंट अप या डाउन चला जाता है, उस केस में आप कॉल या पुट में राइटिंग करके या शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। ये मेरा एनालिसिस है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, ना कोई ये एनालिसिस पे आता है, ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस के बेस पे मैं एज फॉर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे मैं ये स्टडी शेयर कर रहा हूँ। सेकंड थिंग, बैंक निफ्टी का वैसे लेवल जो निकल करके आया है 24,500 तक का मैक्सिमम टारगेट है, 24,777 और 24,500 का मैक्सिमम, और 24,320 के नीचे टूटता है तो 24,200 के आसपास फिसल सकता है। तो ये रहा हमारा कल का बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल एनालिसिस। अब हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाहर हट के अगर जो आप निवेश करते हैं तो बहुत अच्छा मार्केट है आप लोगों के लिए, क्योंकि स्टॉक पिक करके जो इन्वेस्ट करके छोड़ेगा वही पैसा कमाएगा, और स्टॉक पिकिंग के लिए मैंने बहुत अच्छा एनालिसिस करके बेसिस पे बनाया है, जो इंट्राडे में भी प्रॉफिट कराता है और इसको लॉन्ग टर्म भी स्टॉक रख सकते हैं, क्योंकि मेरी जो एक्सपीरियंस है पिछले 2 साल से मैं इस सॉफ्टवेयर को ट्रैक कर रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर के बेसिस पे अच्छे खासे स्टॉक स्कैन करके वैसे स्टॉक आते हैं जो अच्छे खासे 20 रुपये से 200 रुपये 400 रुपये के ट्रेड में आजकल चल रहे हैं। तो जो अच्छी कंपनियाँ हैं उनका फंडामेंटल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक करा करके उसको ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रेकआउट स्टॉक है वो आपको ऑक्स ऑप्टिकल फाइबर में आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा बाइंग हुआ है, और ऑक्स ऑप्टिकल फाइबर में वॉल्यूम भी राइज है, तो ऑक्स ऑप्टिकल फाइबर को बाई किया सकता है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव प्लस इंट्राडे के पर्पज से एज फॉर लेवल एनालिसिस। इस पर आप लेवल स्टडी भी कर सकते हैं, इसकी टेक्निकल डेटा आपको शेयर करूँगा। इस तरीके से मैं कोई स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से आपको दिखाया जा रहा है कि आप एज फॉर वॉल्यूम शॉर्टिंग बाई वॉल्यूम करके आप देख सकते हैं। टेक्समो पाइप अच्छा खासा प्राइस 10-12-13% का आज राइज, 15% के अप्रोक्समेंट में ये प्राइस मूव किया था, और कल भी इसमें तेज़ी आने की चांसेज है, और ये स्टॉक फंडामेंटल भी अच्छा होने की तैयारी में है, तो इसलिए टेक्समेको पाइप को भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10 गुना वॉल्यूम के साथ में आज बाइंग हुआ है। हरकुलस में भी 2-3 गुना बाइंग हुआ है स्टॉक में, और अच्छे खासे 4 रुपये की गेन हुआ है। हरकुलस को भी देखा जा सकता है। IBC ये भी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल 29 लाख शेयर में वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है, 10 गुना वॉल्यूम के साथ में बाइंग हुई है। डायमंड पावर, नवनीत एजुकेशन, ओरिएंट ब्रा, ये सारे कंपनियां ये अच्छे खासे टेक्निकली ब्रेकआउट स्टॉक का लिस्ट है ये, और इनमें आप सिलेक्ट करके अच्छा खासा
इनकी पराज इंडस्ट्री, जे बी एल एग्रो भी एक एग्रो कंपनी है, ये इसकी डिविडेंड एल्ड भी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल अच्छी कंपनी है। उजास एनर्जी, उजास को भी देखा सकता है, उजास बहुत पहले 40-50 रुपए का हाई से ये कंसोलिडेट होकर के स्टॉक चलने के लिए तैयार हुआ है और 3 गुना वॉल्यूम के साथ चल रहा है, तो उजास को भी देखा सकता है। नागार्जुन फर्टिलाइजर ये तो लॉस में कंपनी है, फंडामेंटल अपने सीए से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले सकते हैं। इसमें ऐसे स्टॉक का लिस्ट आता है जो कि लॉन्ग रन में भी चलेगा और इंट्राडे पे भी चल सकता है, तो जिसका फंडामेंटल अच्छा है उसको आप इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। तो ये रहा कैश के स्टॉक या ट्रेडिंग स्टॉक, डीएमए मूविंग एवरेज के बेस पे जो स्टॉक क्रॉसओवर जो स्टॉक होते हैं उसकी भी इसमें स्टडी की गई है, उसके बेसिस पे भी आप वॉल्यूम सोकर, आरती ड्रग्स, आरती इंडस्ट्री, अबान अपसोर में अच्छा खासा बाइंग हुआ है और आज क्रूड में बाइंग भी हुआ है, तो अबान अपसोर को भी देखा जा सकता है। ऑक्स ऑप्टिकल फाइबर भी आ गया आपका, 2.5 गुना वॉल्यूम के साथ में राइज किया है, ये 8 गुना वॉल्यूम के साथ में एराइज अरविंद में भी अच्छा खासा बाइंग हुआ है। तो जो स्टॉक में ये मूविंग एवरेज की लाइनें हैं सारी, मूविंग एवरेज के बेसिस पे इन स्टॉकों को अगर बाई करना भी है तो आप अपने इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी टेक्निकल लेवल आ जाएगी 24 रुपये, ये आप देख रहे हैं 26 रुपये के ऊपर बंद हुआ है ऑक्स ऑप्टिकल फाइबर और इसने 35 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, 35 दिन का मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज के बेसिस पे भी बाइंग है, 27 रुपये के पे ऊपर बाई करना टारगेट जो होगा 28.70 रुपये का। तो ये रहा हमारा आज का कैश के स्टॉक, अभी हमने दो चीज़ डिस्कस किया, निफ्टी का लेवल एनालिसिस किया हमने, सेकंड थिंग कैश के ब्रेकआउट स्टॉक का डिस्कशन किया और कैसे आप निकाल सकते हैं स्टॉक वॉल्यूम और मूविंग एवरेज के बेसिस पे, ये सारे प्रोग्रामेटिकली डेटा स्कैन करके आए हैं, इसमें हमने कोई फार्मूला नहीं लगाना है और इनमें से जो भी आपको सिलेक्शन करना है, आप असम कंपनी, अटलांटा भी अच्छी कंपनी है, इसको भी देखा जा सकता है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर, ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस किया है, आप देखेंगे ये 98 कल का जो क्लोजिंग थी, प्रीवियस क्लोजिंग से ये कल इसने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस किया था और 100 डेज की मूविंग एवरेज 200 रुपये का है, तो 100 डेज के मूविंग एवरेज को हो सकता है रेजिस्टेंस फेस करे, लेकिन इसको भी 100 रुपीज़ पार करता है तभी इसको बाई कर सकते हैं और टारगेट भी हमारा बाई लेवल जो है इस तरीके से 105-106 रुपये तक जा सकता है। तो ये रहा हमारा कैश के स्टॉक, अब हम देखते हैं सेकेंड और फाइनल चीज़ एफेंडो को कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। एफेंडो के स्टॉक की जो स्कैनिंग है ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे आप स्कैन कर सकते हैं, हेक्सावेयर, हवेल्स, स्टार, ये सारे ओपन इंटरेस्ट गेनर स्टॉक है, लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक है, ये कॉमिंस में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, तो इन स्टॉकों को आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो इनके लेवल पे ही ट्रेड करें, ना कि ऐसे। अगर कोई स्टॉक अच्छा खासा बाइंग जनरेट हुआ है, प्राइस भी गेन किया है, अब हवेल्स है या हेक्सावेयर है या रेमंड है, इनको बाई भी करना है, तो रेमंड को आप इनकी ट्रेंड एनालिसिस कीजिए। ट्रेंड एनालिसिस जो है यहाँ पे आपको ये सारे कैश के लेवल आते हैं यहाँ पे, रेमंड 668 के आसपास ये बंद हुआ है, कैश के लेवल है ये, और इसकी जो बाई लेवल है 800-874 के ऊपर सस्टेन करता है तो 883 10 रुपये का टारगेट के लिए आप इसको बाई कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का एफएनडो की एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस विद निफ्टी इंडेक्स एंड कैश स्टॉक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो में कोई दिक्कत है या आपको समझ में नहीं आ रहा है या हमने कुछ गलती किया है तो आप नोट कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।